नमस्कार, वेलकम टू चैनल प्लेबिया। प्लेबिया फ्रेश हर्बल के एक जबरदस्त और अनोखे प्रोडक्ट को लेके मैं मोमिता आप सभी के सामने आज लाइव में आ चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक है। और भी ठीक रखने के लिए प्लेबिया हमेशा आपके साथ है। सुंदर कौन नहीं दिखना चाहते, और ये खूबसूरती को बजाय रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और यही खूबसूरती का ब्यूटिफिकेशन के चेहरे के साथ साथ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हेयर, यानी कि बाल। अब के जमाने के लोग स्टाइलिंग के कारण से, पॉल्यूशन के कारण से, डिजीज और बहुत सारा कारण से बालों का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करते हैं। और यही बालों का प्रॉब्लम को लेके लोग बहुत ज्यादा भुगतते हैं। ऐसे एक प्रॉब्लम है डैंड्रफ प्रॉब्लम। तो आखिर में डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ एक ईस्ट लाइक फंगस है जिसका नाम है मैलासेजिया ग्लोबासा। ये जो ईस्ट लाइक फंगस है ये बहुत जल्दी फैलता है और इसके कारण से डैंड्रफ कभी खत्म नहीं हो पाता है। और लोगों के दिमाग में यही एक चीज चलता है कि किस चीज के लिए कैसे हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करके डैंड्रफ को कम कर सकते हैं और डैंड्रफ को खत्म कर सकते हैं। और डैंड्रफ के साथ साथ और भी बहुत सारा प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करना पड़ता है, जैसे हेयर फॉल, इची स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, एक्जिमा, ऐसे काफी सारा प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। और ऐसे ही डैंड्रफ को कम करने के लिए आपके जो सवाल है मन में, उस सवालों का आंसर के रूप में प्लेबिया फ्रेश हर्बल आपके सामने बहुत ही जबरदस्त हेयर वाइटलाइजर को लाया है, जो कि बहुत जरूरी है बालों के लिए और साथ साथ बालों के समस्याओं को, गंभीर समस्याओं को डैंड्रफ के साथ साथ जो समस्या आते हैं वो हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए माहिर है। तो आइए जानते हैं वाइटलाइजर एक्चुअल में क्या है। वाइटलाइज शब्द का अर्थ है जो जीवन शक्ति। वाइटलाइज मतलब जीवन शक्ति। जीवन शक्ति जो चीज देते हैं वही है वाइटलाइज। जो अपने एक कोई ऐसा चीज जो दूसरे किसी चीज को खुद से एनर्जी या जीवन दान करे। और ये वाइटलाइज का काम करता है बालों में प्लेबिया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर। तो चलिए जान लेते हैं हेयर वाइटलाइजर बालों को अच्छा रखने के लिए किस तरीके से बालों में जीवन शक्ति दान करते हैं। हेयर वाइटलाइजर प्लेबिया फ्रेश का एक्चुअल में एक न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेदिक हर्बल चीजों से बना हुआ है। इसमें कोई तरह का केमिकल्स नहीं मिला हुआ है। ये बालों को ब्रेकेज के हाथों से बचाता है और डैमेज के हाथों से बचाता है। और इसका जो कलर है ये लाइट हनी कलर है, मतलब शहद के कलर है, जो कि ब्यूटीफुल गॉर्जियस हेयर के लिए और स्कैल्प के लिए बहुत 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 ही जरूरी है। वाई प्लेबिया फ्रेश हेयर वाइटलाइजर? प्लेबिया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर गॉर्जियस एंड ग्लोइंग हेयर का एक चाबी है, जिसको लगाने से, डेली यूज करने से आपके हेयर का प्रॉब्लम के समाधान के साथ साथ हेयर भी बहुत ही अच्छा गॉर्जियस मिलने वाले हैं। ये एक नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है, नॉन ऑयली प्रोडक्ट है, हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, मतलब मेल एंड वुमेन बोथ ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को और स्कैल्प को बरकरार रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। और ये प्रोडक्ट इजी टू यूज है एंड इजी टू कैरी है। कोई भी जगह में आप ये प्रोडक्ट को साथ में कैरी कर सकते हैं और एकदम आराम से, बेझिझक से, इजी टू यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट कोई तरह का केमिकल बेस इसमें नहीं है, पूरी तरीके से ये आयुर्वेदिक एंड हर्बल बेस है। और किस लिए हर्बल बेस है कंपोजिशन जानेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले ये जो प्रोडक्ट है हेयर वाइटलाइजर, ये आपके बालों को स्टिमुलेट करता है, आपके बालों को हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एक उत्तेजक की तरह काम करता है। साथ ही साथ स्कैल्प के पीएच बैलेंस, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। और ये स्कैल्प में जो प्रॉब्लम होता है जैसे ड्राइनेस, इचीनेस, डैंड्रफ, ये पूरी सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए जानते हैं प्लेबिया फ्रेश का ये वाइटलाइजर में, हेयर वाइटलाइजर में क्या क्या कंपोजिशन है, किस किस हर्बल हर्ब से वाइटलाइजर
फ्लेविया फ्रेश आप लोगों के सामने लाया है। सबसे पहले इसमें जो है नीम, तुलसी, टी ट्री, पचोली, थाइम, जबरुंडी, रोज मैरी, यूकेलिप्टस, जटामांसी, लैवेंडर एंड आर्निका। ये सारे हर्ब से, ये सारे प्रोडक्ट से फ्लेविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर बना हुआ है। सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें जो हर्ब्स है, उसका नाम है टी ट्री। टी ट्री सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि चाय पत्ती, नहीं, टी ट्री मतलब जो हम लोग चाय पीते हैं उसका पत्ता नहीं है। टी ट्री एक अलग हर्ब्स है जो कि छोटा प्लांट्स के आकार में आता है और जिसका पत्ता और स्टेम से ऑयल मिलता है जो बहुत खुशबूदार एरोमेटिक ऑयल से ऑयल के रूप में काम करता है और इसका खुशबू थोड़ा सा स्पाइसी है और अखरोट की तरह इसका खुशबू है। ये टी ट्री एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल के गुणों से भरपूर है। टी ट्री हमारे बालों के अंदर पहुंच के बालों को जो जड़ है उसको मजबूत करने के साथ साथ बालों का जो ऊपर का प्रॉब्लम जैसे फंगल प्रॉब्लम, बैक्टीरियल प्रॉब्लम उसको भी कम करता है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को जुए का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो ये जुए का प्रॉब्लम को कम करने के लिए भी टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छे से काम करता है। टी ट्री ऑयल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और स्कैल्प के अंदर जो टॉक्सिनेट मात्रा है वो सब टॉक्सिन का प्रॉपर्टी को दूर करता है और ये स्कैल्प को टॉक्सिन फ्री करता है। साथ ही साथ जितना भी सीबेसियस ग्लैंड से जो सीबम आता है, जो अंदर से बॉडीज के अंदर से जो ऑयल आता है, सीबम सिक्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है तो आपके बाल और जो स्कैल्प है वो मॉइस्ट रह पाता है। और इसके साथ साथ टी ट्री ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और एक्सेसिव हेयर फॉल के हाथों से बचाता है हम लोगों को। टी ट्री का जो गुण है वो वाइटलाइजर में, हेयर वाइटलाइजर में डाला हुआ है तो हेयर वाइटलाइजर हम लोग अगर यूज करेंगे तो ये सारे गुण हमको भी हेयर में दिखने को मिलेगा। टी ट्री के साथ साथ वाइटलाइजर में मिला हुआ है पचोली। पचोली एक ऐसा एसेंशियल हर्ब है जिसका एरोमेटिक एक यहाँ से ऑयल मिलता है। पचोली एक छोटा सा सर्प के जैसा दिखने वाला हर्ब है जो जिसका जो ऑयल है वो हम लोगों का बहुत सारा हेयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है फ्लेविया फ्रेश का। पचोली ऑयल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी सेप्टिक गुणों से भरपूर है। एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट एंड फंगीसाइड गुणों को मिलाते हुए ये जो पचोली ऑयल है ये स्कैल्प का हर एक प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करने के लिए बहुत ही माहिर है। पचोली ऑयल स्कैल्प के माइल्ड टू सेवियर प्रॉब्लम, छोटे से स्टार्ट करके बड़े प्रॉब्लम स्कैल्प का, जैसे ड्राइनेस, इचिनेस, एक्जिमा, सोराइसिस, ऐसे डैंड्रफ, बहुत सारा प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ ही साथ जैसे सूज जाना एंड सेप्टिक हो जाना, ये सब का भी घाव, ये सब भी दूर करता है। और पचोली रिंग वर्म यानी कि दाद, दाद के जो इन्फ्लेमेशन है, दाद जो फैल जाता है उसको भी रोकता है। और साथ साथ पचोली हेयर फॉलिकल्स को नया जीवन दान देते हैं तो हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ थाइम मिला हुआ है फ्लेविया फ्रेश के हेयर वाइटलाइजर में। थाइम ऑयल और थाइम जो ऑयल हम लोगों को मिलता है वो एक एसेंशियल ऑयल है जो कि खास करके थाइम के पत्तों से और फूल से मिलता है। ये ऑयल मिंट फैमिली के एक हर्ब है और ये जो हर्ब है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज मिलता है। थाइम बालों के अंदर पहुंच के, बालों के जड़ के अंदर पहुंच के एक स्टिमुलेट के जैसे काम करते हैं और स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, खून का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बालों के फॉलिकल्स के नीचे खून सही तरीके से पहुंचता है और फॉलिकल से नया बाल आता है, मतलब हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। और जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसको भी दूर करता है थाइम। साथ ही साथ एलोपेशिया एडेटा मतलब गंजेपन, एलोपेशिया प्रॉब्लम और हेयर फॉल में भी बहुत अच्छे से काम करता है थाइम ऑयल, जो कि जिसका गुण फर्टिलाइजर में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हेयर स्ट्रैंड्स को, न्यू हेयर स्ट्रैंड्स ग्रो करता है क्योंकि इसमें बायो फ्लेवोनॉइड
कंपाउंड से। और ये जो थाइम है, ये थाइम हम लोगों का, जैसे बहुत से लोगों को बाल जो होता है पतला हो जाता है, थीनिंग ऑफ हेयर, बाल पतला होने का प्रॉब्लम हो रहता है, वो थीनिंग ऑफ हेयर बाल पतले हो जाने के हाथों से बचाता है और बालों को ग्रोथ देते हैं, बालों को डेंसिटी देते हैं, बालों का वॉल्यूम ठीक करता है। और खास करके इसका जो गुण है वो डैंड्रफ के ऊपर काम करता है, डैंड्रफ और स्कैल्प में आए हुए बहुत सारा प्रॉब्लम को थाइम दूर करता है, रोकता है। थाइम के साथ साथ फ्लैबिया फ्रिश के हेयर फर्टिलाइजर में जाबोडोंटी मिला हुआ है। जाबोडोंटी का नाम हम सब लोग सुने हैं। जाबोडोंटी एक ऐसा प्लांट है जो कि आयुर्वेदिक तरीके से यूज होता है और ये सनफ्लावर फैमिली का फैमिली से बिलोंग करता है। जाबोडोंटी में एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबायल गुण मिलता है। जाबोडोंटी बालों को जो स्ट्रैंड है उसको बूस्ट करने के साथ साथ, उसको ग्रो करने के साथ साथ स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुहे बाल उसको भी रोकता है। बहुत से लोग कहते हैं बाल दो मुहे हो रहा है तो जरूर फ्लैबिया फ्रिश का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसमें जाबोडोंटी का गुण मिला हुआ है। साथ ही साथ जाबोडोंटी बालों के अंदर पहुंच के, स्कैल्प के अंदर पहुंच के एक्सेसिव ऑयल, धूल मिट्टी और स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर करता है और ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचालन को बढ़ाता है। और ये जिसका भी इची स्कैल्प है बहुत सारा बाल खुजलाता है उसमें भी काम करता है जाबोडोंटी। और इसके साथ साथ ये बालों को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजक की तरह काम करता है ताकि हेयर ग्रोथ अच्छा हो और गंजेपनों के हाथों से बचे, हेयर अच्छा रहे। जाबोडोंटी के साथ साथ फ्लैबिया फ्रिश फर्टिलाइजर में रोज मैरी दिया हुआ है। रोज मैरी एक एसेंशियल हर्ब है, एवर ग्रीन हर्ब है, मतलब हमेशा ये हरा ही रहता है, एवर ग्रीन। इसका जो पत्ता है वो चूच की तरह दिखने वाला है, नीडल्स लाइक, और इसके साथ साथ इसमें काफी सारा कलरिंग फ्लावर्स भी आता है। और ये रोजमेरी पत्ता हम लोग, बहुत से लोग, बहुत सारा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ खास करके इसका हेयर में बहुत अच्छा गुण है। तो इसका जो एरोमा है, इसका जो सेंट है वो खास करके काठ के जैसा वुडी स्मेल आता है इससे, और ये एक एसेंशियल ऑयल, आवश्यक ऑयल की तरह काम करता है। ये इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बालों के अंदर पहुंच के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ हेयर फॉलिकल में ब्लड सप्लाई को ठीक करता है और इसके साथ साथ बाल पतला हो जाने के हाथों से बचाता है और बालों को ग्रोथ देते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम लोगों का बाल ग्रोथ नहीं हो रहा है, जरूर फ्लैबिया फ्रिश का हेयर फर्टिलाइजर को ट्राई कीजिए। और इसके साथ साथ रोजमेरी ऑयल ड्राई स्कल्प, इची स्कल्प, डैंड्रफ इसको भी रोकता है। और जो खास है वो है नर्व प्रॉब्लम, नर्वल डैमेज। नर्व अगर डैमेज हो जाएगा बालों के अंदर तो प्रॉपरली हेयर के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और फॉलिकल्स क्या होगा, मुरझा जाएगा और वहां से हेयर फॉल हो जाएगा। तो नर्व जो डैमेज हो जाता है वो नर्व डैमेज को रोजमेरी ठीक करता है और स्कैल्प के अंदर जो टिश्यू खराब हो जाता है वो टिश्यू को भी रोजमेरी ठीक करता है, हील करता है। इसके साथ साथ रोजमेरी में जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मिलता है उससे सेलुलर जेनरेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब कोश की जेनरेशन अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। इसके साथ फ्लैबिया फ्रिश के फर्टिलाइजर में यूकलिप्टस का गुण मिला हुआ है। यूकलिप्टस ये भी एक एसेंशियल कैडियर ऑयल की तरह काम होता है इसका। यूकलिप्टस एक ऑस्ट्रेलियन ट्री है जिसका फुल वर्ल्ड में 700 के ऊपर प्रजातियां मिलता है और छोटे गुण से स्टार्ट करके बड़े ट्री भी यूकलिप्टस का देखने को मिलता है। इससे जो ऑयल मिलता है उसको कहा जाता है यूकलिप्टस ऑयल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक एंड हर्बिसिडल गुणों से भरपूर है। ये जो हर्बिसिडल एंड एंटी फंगल गुण है यूकलिप्टस ऑयल का, ये बालों को ग्रोथ प्रमोट करता है, साथ ही साथ फॉलिकल के अंदर पहुंच के स्कैल्प को नारिशमेंट देते हैं जो कि बहुत जरूरी है, नारिशमेंट पहुंचाते हैं। और जिसका भी बाल बहुत ज्यादा पतला हो वो पतले बालों को ठीक करता है और साथ ही साथ एक सूथनिंग, एक बहुत ही अच्छा शांत इफेक्ट देते हैं बालों के अंदर पहुंच के।
और इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो डैंड्रफ को कम करता है। डैंड्रफ से आया हुआ बहुत सारा प्रॉब्लम, ड्राई स्कल्प, इचिनेस, ये बहुत सारा प्रॉब्लम को दूर करता है और लाइस यानी कि जुए को भी दूर करता है। इसके साथ साथ फ्लैविया फ्रेश फर्टिलाइजर में मिला हुआ है जटामांसी के गुण। जटामांसी मतलब जटा मतलब जट और मांसी मतलब इंसान। तो ये एक ऐसा हर्ब है जो कि सदियों से इस्तेमाल होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, और जटामांसी एक फ्लावरिंग आयुर्वेदिक हर्ब है। ये खास करके हिमालय में मिलता है, हिमालय जो रेंज है वहां पे मिलता है, और इसका जो स्मेल है ये स्मेल कुछ कुछ वार्म एंड कुछ कुछ काट के जैसे इसमें स्मेल आता है इसके तेल से। और ये एसेंशियल ऑयल एंटीऑक्सीडेंट एंटी फंगल गुणों से भरपूर है। इसमें जो ऑयल मिलता है जटामांसी से ये हमारे नर्व्स को शांत करता है और ब्रेन को शांत करता है ताकि हेयर ग्रोथ अच्छा हो, और एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है वो सेल को फर्दर डैमेज होने से बचाता है। तो कोश जो बालों के अंदर जो कोश होता है वो कोश को डैमेज के हाथों से बचाता है। साथ ही साथ जटामांसी का ऑयल फॉलिकल्स के अंदर पहुंच के हेयर रूट एंड हेयर स्ट्रैंड को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूती देते हैं, और एक्सेसिव ऑयल को हटा के जो ड्राइनेस हो जाता है और जो बहुत ज्यादा इची स्कैल्प होता है, डैंड्रफ होता है, उसको भी एकदम दूर करता है। इसलिए जटामांसी फ्लैविया फ्रेश के हेयर फर्टिलाइजर में मिला हुआ है। तो इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा कंपोजिशन के साथ साथ फ्लैविया फ्रेश हेयर फर्टिलाइजर का बहुत सारा बेनिफिट भी है। चलिए जान लेते हैं फ्लैविया फ्रेश का हेयर फर्टिलाइजर का बेनिफिट्स क्या क्या है। आखिर में इसका हम लोग अगर बालों में लगाएंगे, जड़ पे लगाएंगे, तो क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट्स फ्लैविया फ्रेश का फर्टिलाइजर जो करता है वो है ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर बूस्ट होगा तो हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ बालों का और स्कैल्प का पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, और इससे क्या होता है, इची स्कैल्प, ड्राइनेस, ये सब दूर हो जाता है। और इसके साथ साथ हेयर फॉल और इसके साथ आए हुए बहुत सारा प्रॉब्लम, इचीनेस, ड्राइनेस और बहुत ज्यादा सीबम प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, इसको भी दूर करता है फ्लैविया फ्रेश का फर्टिलाइजर। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा बाल बहुत ज्यादा ऑयली है, थोड़ी देर बाद ही शैम्पू करने के बाद चिपचिपा हो जाता है, तो जरूर फ्लैविया फ्रेश का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कीजिए, तो वो चिपचिपापन, एक्सेसिव ऑयल जो आते हैं बालों में वो एकदम दूर हो जाएगा, तो बाल बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं दिखेगा। और जो लोग कहते हैं मेरा बाल बहुत ड्राई है वो भी जरूर लगाइए, क्योंकि ड्राइनेस भी दूर करता है फ्लैविया फ्रेश का फर्टिलाइजर। इसके साथ साथ फ्लैविया फ्रेश का हेयर फर्टिलाइजर स्कैल्प में न्यूट्रिशन पहुंचाता है, प्रॉपर पोषण पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स हैं वो हर्ब्स का पूरा गुण स्कैल्प के अंदर पहुंचाता है, क्योंकि ये नॉन स्टिकी नहीं है, नॉन ऑयली नहीं है, नॉन ऑयली है, इसलिए ये वाटर बेस्ड की तरह आता है, तो एकदम जड़ के अंदर पहुंच के स्कैल्प को प्रॉपरली न्यूट्रिशन पहुंचाता है। और ये स्कैल्प के और बालों का जो वॉल्यूम है, जो ग्रोथ है, उसको इंक्रीज करता है। साथ ही साथ धूल मिट्टी प्रदूषण और बाहर की जो धूप है ये सब से बाल जो डैमेज हो जाता है, आउटसाइड से जो बाल डैमेज हो जाता है वो डैमेज के हाथों से बालों को बचाता है फ्लैविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर। और बहुत से लोगों को उम्र से पहले सफेद बालों का प्रॉब्लम आता है, इसको भी डिले करता है, इसका जो ग्रोथ है सफेद बालों का वो डिले करता है। इसके साथ साथ ब्रेकेज, जैसे कि कंघी करने के बाद बाल नीचे से टूट जाता है, टूटना फूटना और दो मुए बाल, इसको भी रोकता है फ्लैविया फ्रेश का हेयर फर्टिलाइजर, क्योंकि नीचे से अगर बाल टूट जाएगा तो नीचे से दो मुआ बाल भी होगा, और बाल टूट के बालों का जो जड़ है उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए फ्लैविया फ्रेश का फर्टिलाइजर अगर हम लोग रूट टू टिप्स लगाएंगे तो दो मुहे बाल एंड नीचे से ब्रेकेज भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ बालों के जड़ के अंदर पहुंच के बालों को मोटा बनाता है, एकदम मजबूती देके मोटा बनाता है, और बालों के अंदर पहुंच के बालों का जो स्ट्रक्चर है एंड क्वालिटी है उसको ठीक करता है। बालों का स्ट्रक्चर मतलब बाल अगर हम लोग बीच में से काटेंगे तो बालों का तीनों लेयर दिखने को मिलता है। सबसे ऊपर का जो हम लोग टच कर पाते हैं ये लेयर का नाम है क्यूटिकल, इसके अंदर जो लेयर है वो है कॉर्टेक्स, एंड इसके भी नीचे जो लेयर है वो है मेडुला।
तो ये तीनों लेयर मिलके एक एक हेयर बनता है, और ये हेयर है हेयर का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगर खराब हो जाएगा तो हेयर का क्वालिटी भी खराब हो जाएगा, हेयर पतला हो जाएगा, दो मुए होगा और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, फ्रिजनेस आएगा, ड्राइनेस आएगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर भी ठीक करता है फ्लाविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर। साथ ही साथ फर्टिलाइजर आपके स्कल्प एंड हेयर का जो एकदम हेल्थ है उसको ठीक करता है और बालों को शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कैसे लगाएंगे फ्लाविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर, चलिए जान लेते हैं। यूजेस ऑफ फ्लाविया फ्रेश हेयर वाइटलाइजर, ये गॉर्जियस हेयर हेल्दी स्कल्प पाने के लिए वाइटलाइजर को हम लोगों को डेली इस्तेमाल करना है। शैम्पू करने के बाद क्लीन बालों में, सूखे बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैल्प एंड बाल दोनों में इस्तेमाल करना होगा, और नहीं तो डेली बेसिस में नाइट में भी या इवनिंग में भी वाइटलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं सूखे एंड क्लीन स्कैल्प एंड बालों में। शैम्पू करने के बाद लगाने से बालों में धूल मिट्टी नहीं होता है, तो तब जाके फर्टिलाइजर एकदम जड़ में पहुंच के काम कर पाएगा। तो एकदम क्लीन पहले बालों को फ्लाविया फ्रेश के शैम्पू से बालों को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद फर्टिलाइजर को थोड़ा सा एक कटोरी में लीजिए और रुई की मदद से एकदम जड़ में स्कैल्प पे लगाइए, और नहीं तो अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो वहां पे फर्टिलाइजर डाल के एकदम जड़ में स्प्रे कर लीजिए और फुल बालों के लेंथ में भी स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप सूख जाएगा। फिर आप एक दो घंटे के बाद चाहे तो बाहर निकल सकते हैं, और अगर आप लोग शाम के वक्त में लगाना चाहते हैं तो जरूर क्लीन एंड एकदम क्लियर हेयर एंड स्कैल्प में सेम प्रोसेस में फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं और करके उसको छोड़ दीजिए। वो नॉन ऑयली है, नॉन स्टिकी है, तो बिल्कुल चिपचिपा नहीं फील होगा। फुल डे चाहे आप धो लीजिए नहीं धो लीजिए, लेकिन वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और एक चीज, फर्टिलाइजर को डेली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वीक में कम से कम 4 दिन अप्लाई करना होगा। डैंड्रफ के लिए, बालों के हर एक प्रॉब्लम के लिए काम करता है, तो जरूर इसको वीक में 4 दिन 3 to 4 days इसको इस्तेमाल करना है, नहीं तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉर्निंग में जरूर फ्लाविया फ्रेश के जो शैम्पू है वो इस्तेमाल करके शैम्पू कर लीजिए। कम से कम दिन वीक में 3 days शैम्पू करना बहुत ही जरूरी होता है। और इस तरीके से ग्लोइंग एंड गॉर्जियस हेयर पाने के लिए फ्लाविया फ्रेश का फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग और क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या क्या इस तरीके से पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, हम लोगों को कॉमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और इसके साथ साथ गॉर्जियस हेयर का जो चाबी है वो फर्टिलाइजर है, उसको लगाना ना भूलिए। और पूरे लोगों को, जितना भी लोग इतना प्रॉब्लम से भुगतते हैं, बाल लंबा नहीं हो रहा है, बालों में ग्रोथ नहीं है, दो मुए बाल आ रहा है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बालों में खुजली हो रहा है, खुद ब खुद खुजलते रहते हैं बाल, ये हर एक प्रॉब्लम का एक वन एंड ओनली सोल्यूशन है फ्लाविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर। तो आइए फ्लाविया फ्रेश का हेयर वाइटलाइजर यूज कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कैसा लगा। ठीक है, चलिए फिर से हम मिलेंगे और एक नए एपिसोड में और एक नया लाइफ में। और तब तक के लिए बालों को अच्छे रखिए, खुद को अच्छे रखिए, फ्लाविया के साथ बी हेल्दी एंड ग्लोइंग विद फ्लाविया। नमस्कार।